नमस्कार दोस्तों, इन ड्राइवर के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इन ड्राइवर का ऐप ओपन कर लिया है और मैं फिलहाल ऑनलाइन मोड पे हूँ। दोस्तों, ऑफलाइन मोड पे आपको किसी भी नई राइड का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा, साउंड नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और इसको अगर आप पहली बार ऑनलाइन करेंगे तो आपसे ये डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पे इन ड्राइवर को आपको ऑन कर देना है। हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ, जो कि राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साउंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इसको आप ऑन रखिए ताकि नई राइड का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मेरे पास अभी अभी एक राइड रिक्वेस्ट आई है, इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूँ। ए पॉइंट जो है वो आपका पिकअप पॉइंट है, यानी कि जो ब्लू में मार्क हो रहा है पॉइंट, वो आपका पिकअप पॉइंट है, जो कि 2 मिनट यानी कि 412 मीटर दूर है। और वहीं जो ग्रीन में मार्क हो रहा है वो है आपका ड्रॉप पॉइंट। तो दोस्तों, ड्रॉप पॉइंट मेरे पास से 345 मीटर दूर है, 2 मिनट का रास्ता है। और यदि आप थोड़ा उसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको पैसेंजर का नाम दिखेगा, ए और बी की पूरी लोकेशन दिखेगी, साथ ही साथ कितना अमाउंट कोट है वो भी दिखेगा। यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर 90 ऑप्शन आ रहा है, 100, 110 एंड 120। तो यदि आपको ये प्राइस जो कोट किया हुआ ये सही लगता है तो आप 90 रुपये में इसको सेलेक्ट करके जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक और आज़ादी दी गई है कि आप अपना प्राइस बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि अपना प्राइस आप कस्टमर को बता सकते हैं कि आप 90 में नहीं जाना चाहते हैं, आप 100 में जाना चाहते हैं, 110 में जाना चाहते हैं, 120 में जाना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आपको प्राइस सही लगता है 90 रुपये, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 90 रुपये में ही एक्सेप्ट करें। इससे आपके राइड कन्फर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ यदि आपको 100, 110 और 120 पे कोट करना है तो आप वो भी कोट कर सकते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पे आपको एक क्लोज का ऑप्शन दिखा रहा होगा, यदि आपको राइड पसंद नहीं है तो आप उसको क्लोज या फिर स्किप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 90 रुपये में इस राइड को कोट करता हूँ। अब जब तक मेरी राइड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है पैसेंजर के द्वारा, मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा। और जैसे ही एक्सेप्ट होगा हमारे पास एक नई स्क्रीन खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों, ये राइड मेरी एक्सेप्ट हो चुकी है। सबसे ऊपर टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर मुझे पैसेंजर के पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाना है। उसके नीचे आप नेविगेट का ऑप्शन देख रहे हैं, इससे आप नेविगेट करके पिकअप लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैसेज का बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मैंने मैसेज वाले आइकन पर क्लिक किया है और अब मैं पैसेंजर से यहाँ पे बातचीत कर सकता हूँ मैसेज के थ्रू। यदि पैसेंजर का फ़ोन नहीं लग रहा है या कोई भी समस्या है आपको बात करने में, तो आप यहाँ पे मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हो पैसेंजर से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप कहाँ पे हो, अब पैसेंजर इसका रिप्लाई मुझे करेगा या फिर वो मुझे कॉल भी कर सकता है। तो यहाँ पे पैसेंजर का रिप्लाई आ गया है कि कज़ार होटल। तो अब मैं पैसेंजर को पिक करने के लिए कज़ार होटल जा सकता हूँ। उसके बाद यदि आपको कॉल करना है तो ये कॉल का ऑप्शन भी उसके ठीक बगल में दिया हुआ है, यहाँ से आप पैसेंजर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए एक बार हम नेविगेट पे क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने नेविगेशन पे क्लिक किया है और ये मुझे पैसेंजर के पिकअप पॉइंट तक लेके जाएगा। गूगल मैप्स आपको ओपन हो जाएगा। जब आप पैसेंजर के पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाएं, गूगल मैप को क्लोज करते हैं। गूगल मैप को क्लोज करने के बाद आपको इन ड्राइवर का ऐप एक बार फिर से चालू कर लेना है। अब यहाँ पे चालू करने के बाद आप आई हैव अराइव्ड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बहुत खास बता दूँ, आपको राइड लेने के पहले आपको सभी जानकारियाँ मिल रही हैं यहाँ पे, कहाँ से पिक करना है पैसेंजर को, कितना समय लगेगा, कहाँ पे ड्रॉप करना है, ड्रॉप करने में कितना समय लगेगा और प्राइस क्या है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस राइड को कैंसिल ना करें। यदि आप राइड को कैंसिल करते हैं तो आपकी आईडी कुछ समय के बाद ब्लॉक हो सकती है। तो यदि आपको प्राइस समझ में नहीं आ रहा है तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप वहाँ पर उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि प्राइस कोट करने के बाद ऐप को कैंसिल मत कीजिएगा।
जब आप पैसेंजर की लोकेशन में पहुंच जाएंगे तो आप आई हैव अराइव बटन जो सबसे नीचे ग्रीन कलर का है उस पर आपको क्लिक करना है। यह ये दर्शाता है कि आप पैसेंजर के पिकअप लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, और इसको क्लिक करते ही पैसेंजर के पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आप उसकी पिकअप लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों याद रहे आई हैव अराइव्ड, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आई हैव अराइव्ड बटन आपको पिकअप लोकेशन पर पहुँचने के बाद ही दबाना है। आई हैव अराइव्ड का बटन दबाते ही आपके पास ऐसे स्क्रीन खुल के आ जाएगी, और अब आप नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं पैसेंजर के ड्रॉप लोकेशन तक पहुंचने के लिए, यानी कि पैसेंजर को जहां पे छोड़ना है। तो इस तरह से आपने जब आई हैव अराइव्ड बटन दबाया तो अब जो नेविगेशन दिखाएगा वो दिखाएगा पैसेंजर के ड्रॉप लोकेशन तक। तो जैसे कि मैंने आई हैव अराइव्ड बटन दबाने के बाद मैंने नेविगेशन पर क्लिक किया है, और अब ये मुझे पूरा रूट दिखा रहा है पैसेंजर के ड्रॉप लोकेशन। इस गूगल मैप को फॉलो करते हुए मैं बहुत आसानी से पैसेंजर को ड्रॉप कर सकता हूँ, और जब मैं पैसेंजर को ड्रॉप कर दूंगा मुझे फिनिश द राइड यानी कि जो ग्रे कलर में नीचे लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही ऐप मुझसे एक बार फिर से कन्फर्मेशन मांगेगा कि क्या मैंने ये राइड कम्प्लीट कर ली है। तो यदि आपने ये राइड पूरी कर ली है, पैसेंजर को ड्रॉप लोकेशन पे छोड़ दिया है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। यस करते ही यहाँ पे रेटिंग का ऑप्शन आएगा, आप पैसेंजर को रेटिंग दे दीजिए और आपकी एक राइड ये कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं, तो माई अर्निंग पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो 90 रुपये दिखा रहा है 18 मार्च का, और ये एक राइड मैंने की है 90 रुपये की। अगर मैं और थोड़ा नीचे देखता हूँ तो सेम मैंने वैसे 11 मार्च की राइड की है 490 रुपये की टोटल। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। पहली राइड समाप्त करते ही आप अगली राइड के लिए फिर से तैयार हो सकते हैं, और यहाँ पे राइड के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे मेरे पास फिलहाल 2 राइड ऑप्शंस हैं, मैंने एक पे क्लिक किया, और यहाँ पे एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, ये राइड 2.7 किलोमीटर दूर है और मुझे ड्रॉप करने के लिए 3.2 किलोमीटर जाना है, यानी कि जो ब्लू में दिख रहा है वो पिकअप पॉइंट है और ग्रीन में जो दिख रहा है वो आपका ड्रॉप पॉइंट है। साथ ही साथ यहाँ पे 75 रुपये का ऑप्शन है, मुझे ये राइड पसंद नहीं आ रही है, तो मैं अपनी इच्छा से अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। दोस्तों आप राइड को स्किप कीजिए, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी या फिर किसी भी तरह के चार्जेस यहाँ पे नहीं लगते हैं, ना ही आपकी रेटिंग डाउन होती है। लेकिन दोस्तों राइड कैंसिल करने से आपकी आईडी कुछ समय के लिए ब्लॉक हो सकती है, इसलिए राइड एक्सेप्ट करने के बाद यानी कि प्राइस कोट करने के बाद आप राइड कैंसिल ना करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे राइड्स का ऑप्शन दिखेगा, और आपको जो भी राइड पसंद आ रही है आप उस पर क्लिक करके और उस राइड को फिनिश करके वो पैसा आप अपने पास कमा के रख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसमें सारा जो भी पेमेंट है वो सारा पेमेंट कैश है, या फिर कस्टमर आपको यानी कि जो भी ड्राइवर है उसके QR कोड पे, जो भी UPI है, Paytm यूज़ कर रहे हो आप, कोई भी तरह का आप UPI पेमेंट ऐप यूज़ कर रहे हो, उस ऐप पे वो आपको डायरेक्ट पेमेंट करेगा। इन ड्राइवर अपने पास कोई भी पेमेंट नहीं रखती है कस्टमर की तरफ से, तो यहाँ पे जो भी पैसा है, जो भी आपकी कमाई है वो डायरेक्टली आपको मिल रही है।
दोस्तों जल्द ही मैं आपके लिए कुछ और वीडियोस लेके आने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन ड्राइवर से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि QR पेमेंट का मेथड कैसा होता है और इन ड्राइवर में और क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, मैं उस बारे में भी आपसे एक बार बात कर लूंगा। तो दोस्तों कोई भी वीडियो मिस ना करें, इन ड्राइवर के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।